गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और सुबह का बज चुके हैं 10। और आज बिपिन रावत जी के कह रहा है कि पेट में दर्द है, इसका पेट में दर्द की वजह से लेटा है। कह रहा पेट में दर्द है तो मैं डॉक्टर को दिखाया था तो दवाई दवाई तो अब तो नहीं हो रहा, मगर फिर भी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मैंने डॉक्टर को बोला था। डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड के लिए दिया है तो आप इसको ले जा रहा मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। और साथ में जाएगी इसकी मम्मी, तो आज गए इसके अल्ट्रासाउंड में निकलेगा। तो आज ये डर रहा है कि मैंने जा रहा हूँ, ये मना कर रहा जाने के लिए। आज हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं और ये जाएगी ब्यूटी पार्लर में। आज ये लास्ट बार कराएगी अपना, तो ये जा रहे आज गांव निकल जाएगी। ये है तो उसका विवीर रावत जी, हम उधो रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं। मैं जाने के लिए पंचर भी ले लिया यहाँ पर से, कई रास्ते में पंचर ना हो जाए। और पूरी पंचर किट ले ली है और साथ में ये भी रख लिया, स्टैंड भी लगा दिया है बाइक पर वीडियो बनाने के लिए। आगे स्टैंड लगा दिया है तो मोबाइल इसके अंदर रखा जाएगा। वरदान से अल्ट्रासाउंड करा के और लिया है रिपोर्ट, विपिन रावत की रिपोर्ट आ गई है अल्ट्रासाउंड करा के। और मैं इनका लेके जा रहा हूँ यहाँ से काफी करा के, कि धूप लगी है बहुत खतरनाक धूप लगी है। पर इसका हो गया पार्लर में से आ गई है और 3-4 घंटे में आई है। सुबह की गई थी 10 बजे से, भाई 2 बजे, 4 घंटे में आई है और अब तक आचक बन गई है। और इसको याद बहुत आ रही है, देखो गाइस इसको बहुत याद आ रही है। अभी रोने लगी थी क्योंकि आज इसने गांव जाना ना, इसको बहुत याद आ रही है। देखो गाइस, देखिए दुल्हन है। अब कोई ये भी नहीं जा रहे ना, तो इसको इनको भी रोना आ गया। इसको देखिए, ये भी नहीं जा रहे, बच्चे कोई नहीं जा रहे, सिर्फ मैं अकेले जा रहा हूँ। देखिए बहुत रोना आ रहा था, इसको तो रोने लगी थे अभी ये। अब जा रहे हैं हम मार्केट की तरफ और हमारी भाभी भी, देखो बर्त है भाभी का, ये सब यार के भाभी भी आ रखे। भाभी तेरे स्कूटी को क्या बोलते हैं एक बार बोलना, तेरा हमारी भाभी देख रहे क्या बोलते थे शर्माने मेरे पर भाभी एक बार बोलते तेरा सी क्या बोलना सही बोले, स्कूटी को क्या बोलते स्कूटरी फिर बोला स्कूटी हाँ। हमारे भाभी का आज बर्थडे था, आज देख लो हमारे भाभी बिल्कुल तैयार। भाभी कीर्तन उर्तन कराया नहीं, कुछ नहीं कराया नहीं। क्यों माता का बर्थडे ले रखा था, कीर्तन उर्तन करा लेते कुछ, आप कीर्तन मंडली हो के करते नहीं हो। तो गाइस हम चलते हैं बाजार मार्केट की तरफ। सर्विस हो रही है, बहुत गंदी हो रही है, देखो ये पूरी ऐसी सर्विस एकदम झगास झगास धुलाई दे रही। ये ऊपर से सर्विस धुलाई इसकी, थैला अच्छी तरीके से लगा देते हैं और उसके बाद धुलाई होते ताकि पानी नीचे नहीं गिरे, प्रॉपर ही काम हो रहा है। अब गर्दा इसके नीचे सीधा टप लगा रखा नीचे की तरफ, इसमें गिरता रहेगा। ये देख रहे बिल्कुल कपड़ा के अंदर से धुलाई हो रही है इसी की, गंदा पानी गिरने शुरू हो गया है। तो ये है गैस करना, गैस हमारे मेहमान आने वाला है। मेरा तो यहाँ पर पैकिंग हो चुका है, मैंने अपना बैग पैक कर लिया, ये रखा, अब इसको लेके नीचे जा रहा हूँ। और अभी खाना है, रात का डिनर तैयार होने वाला है यहाँ पर, ये खाना वाना बना के रख देंगे क्योंकि उन्होंने अब रात के बस से जाना है। तो गैस ये देखिए खाना यहाँ पर तैयार हो रहा है, दूध वाले ने कहा आलू की गुटके उटके बने, आलू की सब्जी और तैयार हो चुकी है गैस। इस समय ये छोटे छोटे बच्चों ने मुझे गली में पकड़ दिया, इन्होंने कहा कि चलो मम्मी घुमा के ला रही है, अम्मू तो आगे बैठे, अम्मू उधर देख, देखो आइसक्रीम खा रही है। अरे देख अम्मू कैसा लग रहा है, तो अम्मू तो खा रही है आइसक्रीम और ये छोटे छोटे बन्ने देख कैसा लग रहा है बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है। और कल कन्या भी जमाना है तो कल आ जाना है घर पे, ठीक है। तो गाय जी देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ, ये देखे अम्मू को देखो, अम्मू तो इतनी छोटी सी बच्ची है, ये देखो आगे बैठी है। अम्मू क्या खा रही तू, 1 साल की बच्ची है। मेहमान को लेने जा रहे हैं और अब जा रहे हैं, नितिन रावत जाएगा स्कूटी पे और मैं जाऊंगा बाइक पे और दोनों उनको लेके आएंगे फटाफट। ये देखो ट्यूशन गया था, ये आ गया, इसको बोला ट्यूशन नहीं जाना फिर भी ट्यूशन चला गया अपनी मर्जी से, 5 मिनट हुआ इसको फिर हमने बुला दिया, तब पहुंच गए हैं। तो हम जा रहे हैं बाहर उनको लेने के लिए, ले जाएगा स्कूटी पे, मैं जाऊंगा बाइक पे। गाइस चलते हैं हम, जरा बने रहिए। और दोनों स्कूटी पे मैंने आज धो दी, साफ सुफ कर दिए है, तो नितिन रावत अपनी स्कूटी पे जाए। की तरफ से आ रहे हैं ये,
ये देखिए गाइस हमने यहाँ पीछे रोक दिए, ये आ रहे हैं। किसी ने फोन पता नहीं कहाँ खो दिया है, और पेप्सी लेने गए थे, पता नहीं कहाँ फोन पे घंटी जा रही है, कोई उठा नहीं रहा है। फोन यहाँ गिरा हुआ है, देखो डिस्प्ले कैसे चटक गई, कोई सारा टूट गया, और कुछ घंटी जा रही है, अब घंटी भी जाना बंद हो गया, देखो पूरा टूटा। तो गाइस इसकी फोन की स्थिति कितनी खराब हो गई है, ये ऐसा पड़ा रहा है किसी के नजर में। दो आदमी वहाँ पर खड़े थे पीछे की साइड, दो आदमी वहाँ पर खड़े थे, और तब उनको भी वो वहीं पर कवर कर, हमें बजता नहीं दिखाई, ये ऐसा गिरा था, इसलिए डिस्प्ले की लाइट जो थी मिट्टी में जमा था, इसके पीछे भी मिट्टी मिट्टी लगी थी, फिर इसने साफ कर लिया। अब ये ऑन, ये घंटी आ रही है इसमें, ये किसी फोन, कोई फोन कर रहा होगा ना, इसमें घंटी आ रहा है, कुछ डिस्प्ले नहीं आ रहा इसका। इसका फोन का हो चुका है चकना चूर एकदम, देखो फोन का क्या हाल हो चुका है। मैंने इसके ऊपर से ये भी उतार दिया है, ये देखो गाइस बिल्कुल हो गया खत्म मामला सारा डिसमिस। तब देखिए गाइस, तब डिनर करते हैं गाइस, एक खर्चा और बढ़ गया। तो जेठू जी ने हमारे खाना खा लिया, और लाने रोटी आपके लिए, ये जा रहे हैं अब गांव, अब करते हैं ओला बुक। 9:15 बज चुके हैं और ये फाइनली तैयार हो चुके हैं, ओला भी हमने कर दी है, ओला भी बाहर खड़ी हो गई है, अब ये जाने की तैयारी में है। और इधर अब तिलक उलक लग रही है, हमारे रीति रिवाज के हिसाब से हल्दी की, हमारे रीति रिवाज के हिसाब से, हमारे उत्तराखंड के रीति रिवाज की हल्दी और चावल की पिठाई तिलक लग रही है, क्योंकि दुल्हन अलविदा हो रही है दिल्ली से। और गाइस इसकी शादी है, और शादी में सारे जाएंगे, तो दुल्हन इस समय अलविदा, हमारी याद आएगी तेरे को है, अब इसकी याद आएगी, अब बड़ा गुस्सा आएगी। अब बिपिन रावत जी के साथ, नितिन रावत जी का तो फोन हो गया आज कल्याण, तो देखो अभी तैयार हो चुके हैं और पिटाई लेके आ चुके हैं, और ये गए ओला। मेहमान सब जा चुके हैं, और हमेशा रावत जी भी जा चुकी है, और ये घर ना सोना सोना लगने लगा, खाली खाली अजीब से लग रहा है, क्योंकि आदत पड़ गई थी ना एकदम, तो खाली खाली से लग रहा है। और बाहर तो इतनी उमस हो रही है, बाहर की तरफ गर्मी बहुत हो रही है, तो अंदर तो फिर भी एसी चल रही, ठंडा हो रहा है। तो गाइस इसका फोन हो गया आज कल्याण। हाँ जी, क्या हुआ तेरा फोन का? ऐसा हो गया फोन खराब गाइस, इसका दो पहले भी इसमें बार डिस्प्ले खराब हो गई थी, अब दोबारा हो गया। वो तो ये कि गाइस वो फोन मिल भी गया, नहीं तो फोन मिलता भी नहीं, वो फोन अगर किसी का हाथ लग जाता, उसकी डिस्प्ले विस्प्ले सब उड़ गई थी, घंटी जा रही थी, पता नहीं चला उसका, नहीं तो किसी का उल्टा पड़ा था, अगर किसी का हाथ लग जाता तो भी जला जाता। तो अभी बर्तन धो रहे हैं बाहर, क्योंकि मेहमान गए तो बर्तन ऐसे पड़े थे, तो बर्तन धो रहे, और पानी चलाया हमने, पानी बहुत गंदा आ रहा था। तो गाइस इस वीडियो को अब एंड करते हैं, और फिर अब आज सुनसान सा लग रहा है माहौल, जब घर से कोई चला जाता तो सुनसान लगता है। तो गाइस आप पी रहे हम कोल्ड ड्रिंक, थोड़ा सा थकान बहुत हो गया, और इस कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है, खराब लग रहा है, खराब लग रहा है। तो गाइस अब वीडियो को करते हैं एंड, सब थक चुके हैं, सुबह से ऐसे थक चुके हैं, वीडियो को करते हैं एंड, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।